Okay, the two questions have been asked. Number one is by Sarah, and the other one, naam main usko nahi dekh saka tha, but there was a question about the bits per second or the capacity. Number one question was about the capacity, and number two question is that Sarah is asking about absolute bandwidth. Okay, nice. So I explained both. So, ladies and gentlemen, by capacity we mean, ये तो हमने समझ लिया कि एवरी सिग्नल हैज अ फ्रीक्वेंसी, अ लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बल्कि मैं कहूंगा एवरी सिग्नल हैज अ लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज विच वी नॉर्मली कॉल एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल. दिस लिस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल. ठीक हो गया जी, यहां तक बात क्लियर हो गई. अब ये है, ओके अब ये है कि अगर ये लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, ये लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, सो हर हम एक सिग्नल के ऊपर या हर्ट के ऊपर एक या एक से ज्यादा बिट्स, ये समझ नहीं कि दीज फ्रीक्वेंसीज आर लाइक द ट्रक and the this truck is carrying the load, which means anything. So similarly you have the frequencies and these frequencies carries the bits. So more the frequency normally, more the bits per second. Misal ke taur pe if you have megabits, megahertz, it means 1 million bits per second. So and if each hertz is carrying 1 bit, so you can understand that it will be carrying 1 megabit per second. If each hertz between cycle is carrying 2 bits, so you will have 2 megabit per second. So this bits per second is called how many bits a medium can carry or how many bits a device can process is called capacity or speed. Does it make sense to you? जिसने पूछा था question, अगर अपना नाम बता दे तो मैं उसको नाम से pronounce कर लूंगा. जी सर, मैंने पूछा था सर, clear हो गया. तलहा, ठीक है, तो तलहा clear हो गया, it's nice. अब question है सारा का कि जी bandwidth को explain कर दें और specially explain कर दें absolute bandwidth को. तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे होता, यानी कि आप लोग मेरे साथ सामने होते, तो फिर मैं सारा को ये कहता कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो और फिर हम इस रिकॉर्डेड वॉइस को प्ले करते, तो आपको मैं दिखा सकता था कि इसमें एक एक फ्रीक्वेंसी नहीं है. अगर एक फ्रीक्वेंसी होती तो दैट वाज अ मोनोटोनिक्स मोनो मोनो टोन मोनोटोन सिग्नल होता, लेकिन दिस इज नॉट द केस. योर वॉइस और मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स कंप्राइजेस ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज साइमल्टेनियसली. लफ्ज मैंने साथ इस्तेमाल किया साइमल्टेनियसली. इसका मतलब यह है कि इसमें एफ वन भी होगा, इसमें एफ टू भी होगा, एफ थ्री भी होगा, एफ फोर भी होगा, एंड सो ऑन अप टू एफ एन फॉर एग्जाम्पल. इस तरह से आपके आपकी वॉइस में कोई भी सिग्नल, वॉइस एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसमें इस तरह के सिग्नल होंगे. अब अगर मैं ये कहूं कि ये उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है आपकी वॉइस की, तो इन दोनों में कोई फर्क तो होगा. लेट करें कि ये है 1 मेगा और या 10 मेगा चले कर लेते हैं, ये है 10 मेगा, ऑल्दो वॉइस में 10 मेगाहर्ट्ज हो तो सकता है, लेकिन हर कम से कम ऑडिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑडिबल रेंज जो है हमारी 20 किलोहर्ट्ज है. चलिए हम उसी रेंज की बात कर लेते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि आपके वॉइस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 20 किलोहर्ट्ज और जो मिनिमम है दैट इज 1 किलोहर्ट्ज. तो अब इन दोनों में फर्क कितना है, 20 किलो माइनस 1 किलो इज इक्वल टू 19 किलो. तो दिस 19 किलो विल बी कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट बैंडविड्थ ऑफ योर Absolute bandwidth of your voice.
डज इट मेक सेंस टू यू सारा? ओके, देयर इज समथिंग इन चैट। ओके, चलिए एक चीज और भी बताता चलूं सारा, कि एब्सोल्यूट के बाद एक और भी बैंडविड्थ के लिए डेफिनेशन होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज दी इफेक्टिव बैंडविड्थ। इफेक्टिव बैंडविड्थ, इफेक्टिव बैंडविड्थ। तो आप पूछेंगे लाइन दूरबीन दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिग्नल। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि जी जो एजेस पे कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे F1 और F2 में बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसी तरह Fn और Fn-1 में भी बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इट मींस इसमें कोई खास इंटेलिजेंस नहीं है। तो आप इंस्टेड ऑफ दिस इसको भी इस्तेमाल में लाने की कोशिश करें, व्हाई नॉट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम F3 एंड एंडिंग एट Fn-1। यू स्टार्ट फ्रॉम F3 एंड यू एंड एट, आप कहते हैं कि मेरी सारी के सारी एनर्जी जो है वो इन फ्रीक्वेंसीज के अंदर है। सो व्हाट यू डू नाउ, यू टेक दिस एज मैक्सिमम एंड दिस एज मिनिमम एंड यू टेक द डिफरेंस ऑफ द टू। सो डेफिनेटली दिस विल बी लेस एज कंपेयर टू दिस 19। मिसाल के तौर पे हमने कहा ये 20 है, उसके पीछे ये 19 था, उसके बाद 18 था। अब आप 18 से और लेट करें कि ये अगर 1K था, ये 2K था, तो अब आप क्या कर रहे हैं, 19 माइनस 19K और 18K माइनस 2K और 3K, तो दिस बिकम इक्वल टू 15K नाउ। नाउ दिस विल बी टर्म्ड एज, जो कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी आपके सिग्नल के लिए जा रहा है वो ये बैंड है। इस बैंड को कहते हैं इफेक्टिव बैंड और इफेक्टिव बैंड। कुछ बात समझ आई? ओके, अगर ये समझ आ गया तो फिर, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स अपना नेट बंद करते जा रही हैं, तो डैट इज बैड। होना ये चाहिए कि आपको छुट्टियों में ये कहा कि चलें घर आप गए हुए हो तो आपकी टाइम जाया ना हो, आपकी क्लासेस होती रहें, तो ये मकसद नहीं कि आप फिर क्लासेस ही ना लें, तो फिर तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि नुकसान ठीक है या नुकसान से बचा जाए। हमारी तो कोशिश यही है, वरना मैं भी ये कर सकता था कि आप लोगों को कहता है जी छुट्टी है यूनिवर्सिटी की, छुट्टी तो बस छुट्टी, बात ही खत्म। लेकिन नहीं, हमने सोचा कि नहीं, वाई नॉट हम आपको ऑनलाइन लेकर। तो अभी कुछ देर पहले थे 10 से भी ज्यादा लोग थे और अब कम हो गए, विच इज बैड। एनी हाउ, तो वी कंटिन्यू विद द सब्जेक्ट एंड नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज अ फ्यू टर्म्स जो कि आप अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में भी ये पढ़ेंगे, उस वक्त आपको अच्छा लगेगा कि आपको पहले से पता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला वर्ड है लेटेंसी। सबसे पहला वर्ड है लेटेंसी। लेटेंसी का क्या मतलब है? लेटेंसी का मतलब है यू मे कॉल इट इज एज ए डिले। डिले, लेटेंसी, ठीक है। मिसाल के तौर पे किस पॉइंट परस्पेक्टिव से हम ये बात कर रहे हैं? जेंटलमैन, आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि इस वक्त मेरी वॉइस, मेरी वीडियो, मेरा स्क्रीन आपके लिए क्या हो रहा है, यहां पे उसको कोई कैप्चर कर रहा है। ओके, तो यहां पे यूईटी में बैठ के मैं, यहां पॉइंट वन कह लें, इस जगह पे बैठ के मैं अपनी वॉइस, मैं अपनी वीडियो और मैं अपनी स्क्रीन आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। फिर मेरा नेटवर्क क्या करता है, ये इंटरनेट क्या करता है, ये तमाम चीजों को एक मीडियम पे रख के, इस वक्त सबसे दूर कौन है मेरे यूटी से, सर मैं शेखुपुरा में हूँ सर। शेखुपुरा में कौन है शेखुपुरा से? सर मैं हूँ नहीं, बेसिकली सर मैं शेखुपुरा से हूँ, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ। अलाहाबाद बात कर रहे हैं? जी सर। जी, तो तलहा जो है वो शेखुपुरा में है। जी, दैट्स नाइस एंड आई अप्रिशिएट कि आप अपने घर से दूर भी हो गए, अपनी तालीम को जाया नहीं कर रहे, तो दैट इज अप्रिशिएबल। बाकियों को भी इससे सबक लेना चाहिए कि शेखुपुरा से हमें तलहा ने ज्वाइन किया हुआ है। अब हो क्या रहा है,
मेरे ये बेट्स इस मीडियम पे जब मैं यहां रखता हूं तो डेफिनेटली टेक सम टाइम टू रीच टू शेखपुरा, इट टेक सम टाइम, तला कुछ टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड लेटेंसी और डिले। इवन हमें फील नहीं होता, लेकिन क्लास में भी आप बैठे होते हैं तो जब टीचर बोल रहा होता है व्हाइट बोर्ड पे लिखते हुए, तो जो फ्रंट पे बैठे हुए उनको आवाज कुछ देर पहले मिलती है, और जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको आवाज कुछ देर बाद में मिलती है। इसका मतलब, और आपको पता है फ्रॉम योर एफएससी और मैट्रिक में आपने और क्लास 8-7 में आपने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो साउंड है उसकी एक खास स्पीड है, एंड दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये साउंड जो है 330 मीटर एक सेकेंड में कवर करता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम ये ज्यूम कर लें कि यूटी और शेखपुरा के दरमियान में 330 मीटर का फासला है, इसका मतलब जब मैं बोलूंगा लेट करें सेकेंड नंबर 24 पे, तो डेट विल अप्रोच, डेट विल रीच टू शेखपुरा ऑन सेकेंड नंबर 25। बात समझ आ रही? इस तरह हर सिग्नल टेक सम टाइम, लाइट इवन टेक सम टाइम। आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो एवरी सिग्नल हैज सम स्पीड, लेकिन जब स्पीड होती है, और आपको पता है कि स्पीड किस चीज से मेजर की जाती है, स्पीड इज s इज इक्वल टू vt, एंड दिस t इज इक्वल टू s/v। अभी तो हमने अज्यूम किया कि पिशावर और शेखपुरा के दरमियान में 330 मीटर है, बट इट इज नॉट द रियलिटी। लेट इट बी दिस इज किलोमीटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, मे बी 400 किलोमीटर, तो यू विल राइट हियर 400 किलोमीटर, किलो मीन 1000, एंड यू विल राइट द स्पीड ऑफ द सिग्नल, लेट इट बी वी कंसिडर इट एज ए स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड, तो इट टेक्स 330 फॉर एग्जाम्पल। इफ यू डिवाइड दीज टू, इट विल गिव अस सम टाइम, एंड दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज द लेटेंसी। डज इट मेक सेंस? समझ आ गए कि व्हाट मीन बाय लेटेंसी, किसको कहते हैं? डिले को कहते हैं। और बता भी दिया कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि नेटवर्क्स में लेटेंसी में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत से क्या, 3-4, कौन कौन से बात कर लेते हैं जी। लेटेंसी का जब आप, ये आपका कंप्यूटर है, तो आपने अपना डेटा डालना है इस नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क से मुराद मीडिया के ऊपर, तो इट टेक सम टाइम। हर काम, हर चीज में टाइम लगता है जी। डैट ये जो शॉर्टकट के में हम करते हैं ना, अपने आप को खराब कर लेते हैं। तो जब हम इस डेटा को इस मीडियम के ऊपर डालते हैं, इट टेक सम टाइम, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड ट्रांसमिट टाइम, ट्रांसमिट टाइम। देन नंबर टू, ये हो गया नंबर वन, यानी इस लेटेंसी को अब हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। लाजमी तौर पर हमने तो पहले कहा बस यहां से डाला, यहां पे पहुंच गया, सिंपल बात कर ली, लेकिन हमने अब देखा कि नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ है। मिसाल के तौर पर आप इसमें ये डेटा जब मीडिया पे डालते हो, तो इट टेक्स ट्रांसमिट, ट्रांसमिट टाइम हो गया। देन नंबर टू, जब ये पिशावर से फॉर एग्जाम्पल शेखुपुरा तक पहुंचा, तो तलहा भी तो आंखें बंद की और खोली, तो तलहा शेखपुरा नहीं पहुंच गया। I exactly don't know, लेकिन it might have taken few hours कि आप यहां से गाड़ी में बैठे और उधर गाड़ी में उतर गए, तो इन दोनों टाइमों के दरमियान, दोनों इवेंट्स के दरमियान कोई टाइम लगा हुआ है, चंद घंटे लगे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन डिले, ट्रांसमिट टाइम और ट्रांसमिट डिले भी कह सकते हैं। देन प्रोपगेशन डिले, फिर ऐसा तो नहीं है कि जब हम, मिसाल मैंने आपको बताया भी हुआ है कि, और दोबारा बता देता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं CMD करके यहां आ जाऊं और मैं जाना चाहता हूं फेसबुक के पास, तो मैं यहां लिखता हूं traceRT www.facebook.com, तो आपको नजर आएगा कि मैं कितने, फेसबुक का आईपी एड्रेस आपको नजर आ गया 157.240.195.35।
अब आपको नजर आ रहा है कि मैं इस टारगेट तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ नोड से होकर पहले मैं इधर गया, फिर मेरा सिग्नल इधर गया, फिर मेरा सिग्नल इधर गया जिसका आईपी एड्रेस ये है, और फिर मैं आगे जाता जाऊंगा फाइनली जब तक कि मुझे फेसबुक पे मैं नहीं पहुंचता। इसका मतलब ये हुआ, कहना क्या चाहता हूं, कहना मैं ये चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट नहीं होती। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये है कि ये एक डिवाइस है, जिस तरह के आप लोग जब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वापस अपनी यूनिवर्सिटी आ जाएंगे तो आपको मैंने कहा था कि आप अपनी क्रॉस केबल के जरिए भी और स्ट्रेट केबल के जरिए भी एक अपना छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे। तो उसमें मिसाल के तौर पे जब आप क्रॉस केबल के जरिए दो लैपटॉप्स को कनेक्ट करेंगे तो दैट इज अ पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉट लाइक दिस। जबी आपने देखा कि मेरे कंप्यूटर से कहां जा रहा है, मेरे कंप्यूटर से मेरे गेटवे पे गया, गेटवे से अगले डिवाइस तक गया, फिर अगले डिवाइस तक गया, फिर अगले डिवाइस तक गया, एंड इस तरह होते होते फाइनली कहीं मैं अपनी डेस्टिनेशन, देखें आपको अभी नजर आना चाहिए, देखिए अब चौथा डिवाइस, चौथे डिवाइस पे मैं पहुंचा, फिर पांचवे पे पहुंचूंगा, और होते होते इस तरह मैं नजर आ रहा है आपको कि मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवा धवा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि हर एक नोड के ऊपर मुझे कुछ ट्रांसमिट टाइम, देखिये यहां पे जब मैंने पहुंचा तो यहां मैं प्रोसेस हुआ होगा, कुछ प्रोसेसिंग की गई होगी, तो थर्ड डिले हो गया प्रोसेसिंग डिले, मेरे पैकेट्स इनकैप्सुलेट हुए होंगे, डीकैप्सुलेट हुए होंगे, री इनकैप्सुलेट हुए होंगे, प्रोसेस हुए होंगे, तो इसको कहते हैं प्रोसेसिंग डिले। तो ये एक दफा ट्रांसमिट नहीं है, देखिए यहां से फिर दोबारा ट्रांसमिट हो रहा है, यहां पे फिर यहां से दोबारा ट्रांसमिट हो रहा है, तो मल्टी टाइम दिस ट्रांसमिशन डिले इज बीइंग एडेड। इसी तरह मल्टी टाइम्स यहां पे एक प्रोपेगेशन डिले, यहां पे दूसरा प्रोपेगेशन डिले कम या ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी वेदर इट इज ऑप्टिकल और वेदर इट इज कॉपर मीन इलेक्ट्रिकल। सो मल्टीपल प्रोपेगेशन डिलेज, मल्टीपल डिवाइसेस में प्रोसेसिंग डिलेज, और एक डिले और है जो मुझे आप में से अगर कोई बता दे तो आई विल बी हैप्पी। ट्रांसमिट डिले, प्रोपेगेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले, और चौथा कोई बताना चाहेगा? क्यूइंग डिले। क्योंकि जब ये यहां पे पहुंचेगा, जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इससे पहले भी मौजूद होंगे पहुंचने के लिए, प्रोसेस होने के लिए, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम इसको, जैसे आप मिसाल तो किसी बैंक जाते हैं, स्पेशली जब आपको नया एडमिशन करना होता है तो आपको कहा जाता है बैंक में जाके तो पैसे जमा कराओ, तो आपको या बिल जमा कराओ, आपके घर वाले आपको कहते हैं, तो दैट इज दी एग्जाम्पल ऑफ योर क्यूइंग। अब आपको इसका कोई पता नहीं होता, हो सकता है कि एक मिनट में हो जाए, हो सकता है एक घंटा लग जाए, डिपेंड्स, दिस इज द क्यूइंग डिले। सो व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ दीज डिलेज इट बिकम्स द लेटेंसी, वन वे लेटेंसी। और अगर आप जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे कुछ पूछता हूं, समझ आई, और आप मुझे जवाब दे देते हैं जी हाँ समझ आ गई है, ये समझ नहीं आई, इसका मतलब है कि एक सवाल यहां से जाता है इधर और फिर इसका जवाब जो है वो इधर से वापस आता है, वापस आता है, इट इज कॉल्ड टू वे लेटेंसी, इट इज कॉल्ड टू वे लेटेंसी। तो यहां पे जो आपको मिसाल के तौर पे अगर मैं, अगर देखें ये कंप्लीट हो गया, अब मैं लिखता हूं पिंग और हाँ चलिए यहीं पे बता देता हूं, देखिए मैं इस डिवाइस तक जो मेरा गेटवे है मैं इतने सेकंड्स में पहुंचा, 9 मिलीसेकंड में, फिर 2 मिलीसेकंड में, फिर 4 मिलीसेकंड में, एंड सो ऑन, और मैं अपने एंड टारगेट तक 146 मिलीसेकंड में पहुंचा, 128 मिलीसेकंड में पहुंचा, 144 मिलीसेकंड में पहुंचा। तो दिस डिले इज टू वे, दिस बेसिकली शोइंग यू द लेटेंसी, दिस इज शोइंग यू द लेटेंसी। तो दिस इज द टू वे लेटेंसी, या इसको कहते हैं एंड टू एंड डिले, इसको टू वे लेटेंसी को एंड टू एंड डिले भी कहते हैं, एंड टू एंड डिले। ठीक हो गया जी, समझ आ गई लेटेंसी क्या क्या चीज है और मेजर किस यूनिट में होगी। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, रिजा भी जवाब एक सेकंड में दे देगी। व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ लेटेंसी?
सेकेंड्स, सेकेंड सिंपल टाइम है ना, टाइम तो सेकेंड्स में ही होता है। ठीक हो गया, ये हो गया आपका लेटेंसी का टॉपिक। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नॉट टॉपिक बट इट शॉर्ट टर्म विच एज ए नेटवर्क इंजीनियर और एज एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर इवन यू मस्ट नो एंड दैट इज द थ्रूपुट, थ्रूपुट एंड गुडपुट। सो आई एक्सप्लेन दिस थ्रूपुट एंड गुडपुट नाउ। By throughput we means let me clear it. Okay, now I come to the throughput, the second topic or second definition. जिससे आपको मकसद इसका ये है कि अगर मैं यहां से पिशावर से बैठ के कुछ बिट्स भेज रहा हूं और यहां पे शेखुपुरा में तलहा जो है वो पैकेट्स रिसीव कर रहा है, वो मैसेजेस रिसीव कर रहा है, इसकी वजह से वो मेरी आवाज, मेरी पिक्चर, मेरी स्क्रीन सब कुछ इसको मिल रहा है, तो मैं कितने बिट्स ये पर यूनिट टाइम रिसीव कर रहा है, this is called throughput, this is called throughput। इस मिसाल के तौर पे एक दफा फिर अगर मैं alt control del करके आपको बताऊं और task manager में जाके और performance में जाकर, जी performance में जाकर और आपको यहां दिखाऊं, तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि throughput जो है, जी ये नजर आ रहा है throughput, क्या बता रहा है कितने बिट्स पर यूनिट टाइम मैं रिसीव कर रहा हूं या सेंड कर रहा हूं। तो एट द प्रेजेंटली आई एम समवेयर हियर, आई एम सेंडिंग टू वन अराउंड 2 megabit पर सेकेंड एंड आई एम रिसीविंग ओनली 40 अराउंड सम किलोबिट पर सेकेंड। सो दिस इज द व्हाट आई एम रिसीविंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द थ्रूपुट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या, अब क्वेश्चन क्या ये है कि क्या जितने मैं यहां से भेज रहा हूं इतने ही थ्रूपुट यहां पे एट द डेस्टिनेशन रिसीव हो रहा है या होना चाहिए या नहीं होता, क्या ख्याल है आप लोगों का? जी व्हाट्स सारा अनम, व्हाट इज योर, व्हाट यू एक्सपेक्ट वेदर These two सेम होना चाहिए? तो probably अनम ने कहा कि सेम, यानी जहां से मैं जितने भेजूंगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से 1 megabit एक सेकंड में भेजता हूं तो यहां भी 1 megabit पर सेकेंड रिसीव होगा, तो इसलिए थ्रू, ये मेरा थ्रूपुट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये खुशकिस्मत वाली बातें हैं। क्यों नहीं होता? वजह यह है कि कुछ पैकेट्स, लेट करें कि ये 1 megabit पर सेकेंड, ज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 kilo के पैकेट्स बनाए गए इस 1 megahertz पे, इसका मतलब है कि 1000 पैकेट्स ईच ऑफ 1 kilo बिट का बनाया गया, 1 kilo बिट्स का 1000 पैकेट्स। लेकिन हो सकता है कि इस 1000 पैकेट में से मे बी 10 पैकेट रास्ते में कहीं जाया हो गए हो, 10 पैकेट रास्ते में कहीं जाया हो गए हो, और 10 पैकेट का मतलब है कि 10 किलो, ठीक है ना, एक पैकेट अगर 1 kilo का है तो 10 पैकेट 10 किलो के होंगे, इसका मतलब कि मैं भेजूंगा तो 1 megabit एक सेकंड में, लेकिन इसको 1 megabit पर सेकंड से 10 किलो माइनस कर ले तो इतने बिट रिसीव होंगे डेस्टिनेशन को, एंड दैट विल बी दी थ्रूपुट, That will be the throughput। कुछ बात समझ आई throughput का? आप समझ आया कि रास्ते में सारे के सारे पैकेट जितने आप भेजते हो अनंत, वो नहीं पहुंचते डेस्टिनेशन पे, उनमें से चंद पैकेट किसी भी वजह से रास्ते में गिर भी सकते हैं, ड्रॉप भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे रास्ते में कोई बफर था, वो बफर फुल था, जैसे आप किसी एक गाड़ी से उतरे दूसरी गाड़ी में बैठना है, वो गाड़ी में कोई सीट नहीं है, तो आपको कहेंगे भाई जी रुक जाओ,
बिल्कुल इस तरह जब कोई बिट्स, यहाँ तो रुकने के लिए हमारे पास कोई ऐसी वो नहीं है ना कि आपको बिठा दिया जाएगा कि जी बैठ जाए, आमतौर पर जब जगह नहीं है, बफर फुल है, मेमोरी फुल है, तो पैकेट विल बी ड्रॉप्ड। तो यू जितने आपने भेजे उतने नहीं पहुंचते डेस्टिनेशन पे, तो जितने पहुंचे पर यूनिट टाइम, जो कि इस एग्जाम्पल में ये बनता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द थ्रूपुट। कुछ बात समझ आई, डिफरेंस समझ आया थ्रूपुट का? यस सर। नाइस। अब इसके बाद देखिए यही वो कह रहा है कि द मेजर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ बिट्स अक्रॉस अ मीडियम ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने गिवन पीरियड को 1 सेकंड ले लिया, तो 1 सेकंड में जितने भी बिट्स आपके ट्रांसफर हुए इस मीडियम के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड एज द थ्रूपुट। ओके, देन इज दी जी मोहम्मद तैयब शाह, यू हैव रेज हैंड, यू हैव सम क्वेश्चन, आई एम लिसनिंग टू यू। सर ये लाजमी तो नहीं है ना कि सेंडिंग और रिसीविंग बिट्स पर सेकंड मतलब कि स्पीड जो है वो सेम नहीं है ना, नहीं होने चाहिए? अगर अगर आपका एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, यानी कि आपने जैसे केबल बनाई हुई है अभी ड्यूरिंग योर क्लास, तो वहां पे चांसेस बड़े कम है कि कोई पैकेट लॉस होगा। लेकिन जैसे कि अभी आपने इस एग्जांपल में देखा जो कि मैंने चंद सेकंड पहले आपके सामने प्रेजेंट की, तो मैं सिस्को सॉरी इसके पास फेसबुक के पास पहुंचते हुए मुझे 15 हॉप्स से गुजरे, हो सकता है 2 हॉप्स के दरमियान में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे हो, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी है कि कुछ पैकेट तो गिरे होंगे। जितने मैंने यहां से भेजे हैं उनमें से चंद पैकेट्स यहां पहुंचते पहुंचते रास्ते में कहीं ना कहीं, या दो बातें हो सकती हैं, या तो ड्रॉप हो गए या हो सकता है करप्ट हो गए, 1-0 बन गया हो, 0-1 बन गया हो, वो भी लाजमी तौर पर आप अपने थ्रूपुट में काउंट नहीं कर सकते। जी जेंटलमैन, लेकिन अगर कोई पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, जैसे कि अभी आप वापस आएंगे तो आप अपने उसमें काम करते हो क्या, आप बनाएंगे, उस केस में यस यू आर राइट, अगर ये एक मेरा सोर्स है और मैंने एक लेट करें 3 फुट की केबल लगा के डेस्टिनेशन लगा ली, तो इस केस में चांसेस यही है कि जितने मैं यहां से भेजूंगा उतने यहां पहुंच जाएंगे, एंड द थ्रूपुट विल बी इज द सेम, व्हाट हैज बीन सेंट एंड व्हाट हैज बीन रिसीव्ड इज सेम। लेकिन इस केस में विच आई एक्सप्लेन टू यू यस लाइक दिस, द प्रोबेबिलिटी इज देयर that some of the bits, some of the packets definitely will have been lost, some of the packets definitely have been corrupted during the flight. Ji gentlemen. Ji gentlemen. Yes sir, clear ho gaya. Shabash Tayyib Shah. अब हम आते हैं गुड पुट की तरफ, थ्रूपुट से गुड पुट की तरफ। गुड पुट का मतलब है आपको पता है कि आपका एप्लीकेशन जो है, आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन का कुछ डेटा होता है, लेकिन साथ हर लेयर उसके साथ अपना हेडर ऐड करती जाती है। मिसाल के तौर पे ये लेयर 2 पे आ, लेयर 4 पे आ गए, इसने अपना हेडर साथ लगा दिया, फिर ये सब कुछ नेक्स्ट लेयर पे जाता है, वो अपना हेडर इसके साथ अटैच करते हैं। तो यूं अगर आप देखें लाइक दिस, तो आप देखें एक्चुअल डेटा तो ये था यहां तक, ये जो पार्ट आ रहा है दिस इज द ओवरहेड, लेकिन ये जरूरी भी है। जैसे मैं नॉर्मली एग्जांपल देता हूं कि ये जो यूनिवर्सिटी रोड बना है, लाजमी तौर पे आपके और मेरे टैक्स मनी से बनाए, तो क्या ये मेरे लिए और आपके लिए बनाए या पुलिस वालों के लिए बनाए? लाजमी तौर पे आप यही कहेंगे कि हमारे लिए बना है, पुलिस के लिए तो नहीं बना। लेकिन पुलिस क्यों जरूरी है? ताकि आप लोग पुरसकून तरीके से उस रोड पे गुजर सकें। तो इसी तरह आपके इस एप्लीकेशन डेटा के साथ साथ जो हेडर लगता है उसका मकसद ये होता है कि जितने ये दरमियान में अभी आपने देखा कि मुख्तलिफ नोड से होके मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा हूं, तो हर नोड को इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। इस वजह से वो उसको रीड करके देखती थी कि अच्छा आप पहले जाओ 12.5 के पास, फिर जाओ 10.1 के पास, फिर जाओ 121.52.147.15 के पास। तो राजनीतौर पर इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा,
और यूं होते 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 आखिरकार हम फेसबुक के पास पहुंच ही गए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरी एप्लीकेशन को किस चीज की इंटरेस्टेड है, क्या वो इस ओवरहेड्स में इंटरेस्टेड है, तो आपका आंसर होगा हाँ नहीं। मेरी एप्लीकेशन जो है डेस्टिनेशन की, मिसाल के तौर पर भी मैं भेज रहा हूं, तो थ्रूपुट माइट बी डिफरेंट, लेकिन गुडपुट माइट डेफिनेटली बी लेस। क्यों? के इस पार्ट ऑफ द डेटा में यूर कंप्यूटर यू